किसी के सलाह से रास्ते तो अवश्य मिलते हैं, किसी के सलाह से रास्ते तो अवश्य मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद के मेहनत से ही मिलती है, पर मंजिल तो खुद के मेहनत से ही मिलती है। दोस्तों नमस्कार, इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम एक SSC का स्पेशल बैच चला रहे हैं और SSC का स्पेशल बैच में हम प्रतिशत का क्लास स्टार्ट किए हुए हैं और प्रतिशत में टोटल 5 क्लास हो गया है जिसका वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी दिनों से बैच चल रहा अभी आपका, ये रेशियो क्लास से बैच स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी आए हैं जाके आप देखिएगा, रेशियो से स्टार्ट किए हैं। रेशियो हम क्लास ले चुके हैं, अच्छा से ढंग से लिए हैं क्लास, और उसके बाद हम एज का भी क्लास ले लिए, एलिगेशन भी पढ़ा दिए आपको, ठीक है, औसत भी कंप्लीट कर दिए, और अभी प्रतिशत का क्लास चल रहा है, ठीक है। और प्रतिशत में भी 5 क्लास हो गया, आज क्लास नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर प्रतिशत का पहला वीडियो देखिएगा तो वहाँ काफ़ी हम डीप में बताए कि कैसे क्लास प्रतिशत का लेकर हम चल गए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रतिशत क्लास नंबर 6 है, ठीक है, प्रतिशत क्लास नंबर 6। और इस टाइप का नाम है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। इसमें तो इस टाइप में टोटल हम बात करेंगे परीक्षा से संबंधित। मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एग्जाम देता है ना, तो किसी मार्क्स से वो फेल हो जाता है, किसी मार्क्स जब वो पास होता है तो ज़्यादा मार्क्स ला देता है, तो उस तरह का प्रश्न इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो एग्जाम में आप उसको कैसे डील करिएगा, कैसे आप हल करिएगा, उन्हीं सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है, 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स यहां पर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीका से बता देंगे, बहुत शॉर्ट तरीका से, ठीक है। बस ध्यान दीजिए प्रश्न को अच्छा से देखिएगा, ऐसा प्रश्न आए तो एग्जाम में उसको छोड़ना नहीं है, बना के आना है, ठीक है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है, ठीक है, 40% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, मतलब पास होने के लिए उसको कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स उसको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ प्रतिशत में बोलेंगे कि टोटल मार्क्स 100% था। प्रतिशत में जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप बोलेंगे कि टोटल मार्क्स कितना था, 100% था। तो टोटल मार्क्स 100 हो गया अगर, ठीक है, तो 40% जो मार्क्स लिया इसमें क्या हो गया, वो पास हो गया। ऐसे हम रेशियो लिख लेते हैं, जब भी इस तरह का पॉइंट आएगा ना तो वहाँ पर आप रेशियो लिख सकते हैं। तो 40% अंक ये वाला पास हो गया, ठीक है। अब कह रहा कि 67 अंक प्राप्त किया, 67, और 13 अंकों से विफल हो गया। 13 अंक से क्या हो गया, देखिए 67 तो खुद लाया लेकिन इस अंकों के वजह से वो फेल हो गया। इसको इसको जोड़ दीजिएगा ना तो पास हो जाएगा, 13 से फेल हो रहा था, 13 इसको दे दीजिए तो ये पास होगा। 67 और 13 हो जाएगा 60 10 70 70 और 10 80, तो 80 अंक से पास हो गया। तो यहाँ पास हो गया 80 से, और यहाँ रेशियो में कितने से पास हुआ, 40, तो पास के भागा पास से कीजिएगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स चाहिएगा ना, अधिकतम अंक चाहिए, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो अधिकतम मार्क्स आ जाएगा। 40 इसको काट दीजिएगा तो कितना मार्क्स बन गया, 200। तो अधिकतम जो मार्क्स था वो कितना का था, 200 था। इसको हम रेशियो अपने रेशियो मेथड से बना दिए। अब जो भी विद्यार्थी रेशियो का क्लास नहीं देखे हैं वो जाके रेशियो का क्लास देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये मेथड चला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा के दो सेक्शन है, एक क्लासरूम है उसमें दो सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रतिशत चाहिए, ठीक है। ये वाला लाइन फोकस कीजिएगा, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रतिशत, पूरी कक्षा में, तो ये प्रतिशत जो पूछ रहा है किससे अपना तुलना करगा, तो पूरे विद्यार्थियों से तुलना करगा, है ना। देखिए लिखा हो गया पूरी कक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत, उत्तीर्ण का प्रतिशत चाहिए लेकिन पूरे विद्यार्थी से ये अपना जो है तुलना करगा। तो पूरे विद्यार्थी का संख्या जितना रहेगा, नीचे रखिए, देखिए 30 गो 20 गो कितना, 50 को नीचे रखिए। उत्तीर्ण का प्रतिशत चाहिए तो उत्तीर्ण का संख्या लाइए, तो देखिए 20 यहां पर है,
पहले सेक्शन में, तो 20 का 80 प्रतिशत निकालिएगा तो 80 प्रतिशत निकालिएगा तो 8 दूनी 16, तो 16 आ जाएगा। मतलब 16 को जो विद्यार्थी जो है पहला सेक्शन में उत्तीर्ण है, अपना रफ करके देख लीजिएगा साइड में। और दूसरा सेक्शन में 30 गो है, इसका 60 प्रतिशत उत्तीर्ण है, तो छौती का 18 को इसमें उत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण की संख्या ऊपर हो गया और टोटल नीचे हो गया। अब प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, अब प्रतिशत का साइन लगाएंगे तो सीधे आंसर आएगा। देखिए कितना शॉर्ट में बन गया ना, ठीक है। अब देखिए 8, 6, 14 और 14, 10, 20 हो जाएगा 34, 34/50 और गुना 100, ठीक है। अब यहाँ 50 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा आपका कुल मिलाकर 61% आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आए तो अभी छोड़ना नहीं, इसको बना के आना इस तरह से। अब इसमें इसी तरह का दूसरा प्रश्न एकदम सेट किए हुए सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 53 में सबको दिख रहा होगा, देखिए आइए सबको दिख रहा होगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, प्रश्न दिख रहा है तो आपको। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, ठीक है, जिनमें क्रमशः 60% और 80% पास हुए। पास हुए छात्रों का औसत दर प्रतिशत कितना होगा, जो भी छात्र पास हुए उनका औसत दर प्रतिशत पूछेगा पास का। ध्यान दीजिए इस लाइन पर फोकस कीजिए, क्या कहेगा, पास हुए छात्रों की औसत दर प्रतिशत पूछे पास का। जैसे उसमें पिछले में क्या था, उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा था, तो टोटल संख्या को नीचे रख गए थे और यहां भी वही पूछ रहा, पास हुए छात्र का औसत दर प्रतिशत बताइए। पास हुए छात्र, तो पास वाला छात्र किससे तुलना करेगा, पूरे छात्र से तुलना करेगा। तो देखिए पूरे छात्र यहां पर हो जाएगा 80 गो 60 गो, 8, 6, 14 मतलब 140 गो। तो पूरे छात्र को नीचे रखिएगा और पास वाला को ऊपर रखिएगा। तो 80 का 60% निकालिए, 8, 6 का 48, तो पहला सेक्शन में 48 गो पास हुआ और 60 गो यहाँ पर, तो इसका 80% पास हुआ है ना, तो इसका भी निकालिएगा तो 8, 6 का 48 ही आएगा। आप अपना रफ करके देख लीजिएगा, तो ये पास को नीचे रखिए और पूरा संख्या को नीचे और प्रतिशत में तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा ना तो हमेशा आप ऐसे बनाएंगे, उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछेगा या औसत प्रतिशत पूछेगा, तो आप हमेशा पूरे संख्या को नीचे रखेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसके संख्या को आप ऊपर रखेंगे, तो आपका सीधे वो आंसर में कन्वर्ट हो जाता है। 8, 8, 16 मतलब हो जाएगा 8, 8, 16, 80 या 96, ये हो जाएगा 96/140 और ये प्रतिशत 100, ठीक है। अब 100 से 100 कट गया, काट देते आधा कर देते हैं तो 48 हो जाएगा, ठीक है। आइए 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 48/480/7%। इसको पूर्णांक में तुगिएगा ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको पूर्णांक में तुग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जब भी उस तरह का क्वेश्चन आए, उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए या औसत प्रतिशत बताइए, तो पूरे संख्या को हमेशा नीचे रखना है और जिसके बारे में पूछेगा उसको आप ऊपर रखेंगे, तो आपका आंसर सीधे वो दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर में 54, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत, 30%, और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, ठीक है। और उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अधिक है, यहाँ अधिक छूट गया है, आप अपना जब कॉपी पर नोट कीजिएगा तो अधिक लिखिएगा, 28 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब परीक्षा कितने, जैसे आप मैट्रिक एग्जाम देते हैं है ना, तो आपका मार्क्स जो होता है बता दिया जाता था, 500 अंक का होता है, ठीक है, बता दिया गया। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो बताइए, जो है वो कितने अंकों का है ये बताना, देखिए कैसे। अब ऐसा प्रश्न कैसे बनेगा, इस ऐसे प्रश्न में दो भागों में, दो सेक्शन में बांट के देता है। तो पहले 30% प्राप्त किया कौन, एक व्यक्ति है तिमाही परीक्षा में बैठा, 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ये एक पार्ट हो गया प्रश्न का। तो 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो इसको 12 दे दीजिए तो ये हो जाएगा पास। देखिए 30% तो खुद प्राप्त किया लेकिन ई वाला अंकों से वो फेल हो गया था, हम क्या कर दिए कि 12 इसको दे दिए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% प्राप्त किया, 40%, ठीक है, लेकिन वो जितना अंक चाहिए उसे 28 को अधिक प्राप्त कर दिया, तो हम 28 इसका कम कर देते हैं, है ना, तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया।
क्योंकि 40% जो प्राप्त किया था वो पास वाला मार्क्स से ज्यादा था, कितना 28 था, तो 28 हम कम कर दिए, तो इसका भी पास वाला में ले आकर रोक दिए कि ये भी पास वाला कैटेगरी में आ गया। अब दोनों आपस में क्या होगा, ये पास से ज्यादा प्राप्त किया था, तो जो ज्यादा था उसको निकाल दिए, ये भी पास हो गया, और दोनों पास आपस में बराबर, तो 30 में से 40 घटाइएगा तो -10% आएगा इधर, ठीक है। अब -28 और -12 जोड़ दीजिएगा तो 8 और 2 10 हो जाएगा, अच्छा 2 1 3 1 4 40, तो 40, तो ये आपका माइनस माइनस गया 16 से गुना, तो 1% बराबर 4 अंक हुआ, 1% बराबर 4 अंक आ गया। तो परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक तो 100% होता है ना, तो 100% का मतलब कितना बन जाएगा, 400 अंक बन जाएगा ना। इधर देखिए, इधर 100 बनाने के लिए 100 से गुना कर दो 100 से, तो हो जाएगा 400। तो परीक्षा का पूर्णांक कितने अंकों का था, तो यहाँ पर हो गया 400 अंकों का, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, 55। एक उम्मीदवार, 55 में देखिए लिखा हुआ है, नीचे ला देते हैं, यहां देखिएगा सबको, चलिए। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है, ठीक है। यदि 200 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा, ठीक है। देखिए वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव हो गया। देखिए कहा गया एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, मतलब अगर पास होना है तो कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए, तो हम लिखेंगे कि टोटल मार्क्स 100 और 40% चाहिए पास होने के लिए, ये पास के लिए चाहिए। और 220 अंक प्राप्त किया, कितने अंक प्राप्त किया, 220 प्राप्त किया, अब 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम क्या करेंगे, 20 अंकों से जो फेल हो रहा था ना, इसको 20 दे दीजिए, 20 दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा पास, मतलब हो जाएगा 240 अंक अगर ला देता तो ये हो जाता पास, यहाँ 240 में पास हो गया, और ये भी क्यों है, पास है, तो पास के भागा पास से कर देंगे। अधिकतम अंक क्या होगा, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अधिकतम आएगा, ठीक है। 4 6 24, मतलब कुल मिला के 600 अंक होगा, कितने अंक होगा, अधिकतम अंक 600 मार्क्स का होगा, ठीक है, समझ में आया सबको, नोट कीजिए। नहीं समझ में आएगा तो रेशियो जाकर देखिए वहां पर कैसे ये तुलना करके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, 300 में से कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 32% प्राप्त किया, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्नों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे कि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए, कुल मिलाकर कितने प्रतिशत हो जाए, 46 हो जाए, मतलब कुल का 46% जितना आएगा ना उसके वो बराबर हो जाएगा वो। ध्यान दीजिए, पहले 300 मार्क्स था, ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले 300 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है, इसमें वो 32% लाया, कितना परसेंट लाया, 32%, चलिए ध्यान दीजिए 300 मार्क्स का एग्जाम था और इसका 32% वो लाया, ठीक है भैया, 32% मतलब हो जाएगा आपका आपका 96, ठीक है, 3 3 9 3 9 6 96 अंक प्राप्त किया। अब कह रहा कि 200 अंक वाला प्रश्न है, इसमें हम कितना प्रतिशत अर्जित करें, पता नहीं, जैसे इसका 32% दिया था, इसका नहीं दिया, मान लीजिए कि x प्रतिशत इसका अर्जित करेगा, अर्जित करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, देख लेते कितना आता है, कट गया तो कितना आ गया, 2x प्राप्त किया, ठीक है, अर्जित करें ताकि कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए, कुल मिलाकर मतलब टोटल में 46% के ही बराबर हो जाए, इतना अर्जित करना है, तो 300 यहाँ 200 यहाँ, तो 500 का 46% निकाल के देखते हैं कितना आएगा, तो कट गया 6 5 30 की 0 हासिल लगा 3 और 5 4 20 और 3 2 30 हो जाएगा, ठीक है भैया, 5 4 20 3 हो जाएगा 23। अब देखिए 300 में 96 अंक और 200 में कितना, अभी दोनों का जोड़ दीजिए 96 प्लस 2 है, तो ये हो गया पूरा 500 मार्क्स, 500 का जो मार्क्स है उसमें कुल प्राप्त किया 96 प्लस 2 है, और यहाँ देखिए 500 में कितना प्राप्त किया, 230, तो ये भी कुल है और ये भी क्या है, कुल है, दोनों आपस में बराबर कर देंगे, सही है भैया। अब 96 उधर आप घटाएंगे अगर, तो 2x बराबर 96 घटाएंगे 10 में से 6 हो जाएगा 4, यहाँ बच गया 2, तो 12 में से 9 हो जाएगा 3, और यहाँ 1, 2 से काट देते हैं अगर
तो एक्स बराबर हो जाएगा 67%। कितना प्रतिशत? और यही पूछ रहा कि इसमें कितना प्रतिशत प्राप्त करना होगा, तो 67% मार्क्स जो है वो प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फैले हुए हैं, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल होना चाहिए। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल है, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल है और 20% छात्र दोनों विषय में फेल है। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास है। तो ऐसे प्रश्न को DI के माध्यम से बनाना चाहिए, वेन डायग्राम के माध्यम से बनना चाहिए। ठीक है, जब भी दोनों विषयों में फेल कर देगा, दोनों विषयों में पास कर देगा, तो ऐसे प्रश्न को आप देखिए, एक बहुत ही सरल मेथड है, उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, दोनों विषयों में फेल है 20%, तो आप एक सर्कल बना लेंगे ऐसे और दोनों सर्कल को कॉमन कर दीजिएगा। एक वो सर्कल रखिएगा हिंदी के लिए और एक सर्कल बनाइएगा इंग्लिश के लिए, जो जो नाम रहेगा ना उसके लिए सर्कल बनेगा। तीन तीन वो नाम वाला भी आता है, तो आगे के प्रोसेस है उसमें देखेंगे हम। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में जो फेल हुए जितना प्रतिशत में उसको यहाँ पर रखिएगा, तब 20 को यहाँ फेल हुआ। अब 35 को छात्र जो है 35% छात्र हिंदी में फेल, तो ये सर्कल आप जो देख रहे हैं ना, इसमें पूरा 35% छात्र आना चाहिए टोटल फेल का। अगर ये सर्कल आप फेल का बना रहे हैं तो ये इसमें पूरा 35% आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 20 तो ऐजा हो गया, आई 35 होना चाहिए, तो 15 है जाएगा, जोड़ने पर 35 हो जाएगा। 45% छात्र जो है वो अंग्रेजी में फेल है, तो देखिए इंग्लिश वाला टोटल जोड़ने के बाद जो है 45 से होना चाहिए, तब 20 तो हैजे हो गया, तो हाई बचा कितना 25, हैजा से लेके यहाँ तक ले बच गया आपका 25। ठीक है, आई पूरा जोड़ने पर 100 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, जो नहीं हुआ तो बाहर जो आएगा वो पास वाला कहलाएगा। देखिए ये वाला सर्कल आप दोनों किसके लिए बना गए थे, फेल का बना गए थे, तो इस 100 से जितना भी कम होगा ना ये, वो हो जाएगा आपका पास का हो जाएगा। देखिए 25 और 20 हो जाएगा आपका 45 और 15 60, तो ये 60% जो है कुल मिला के फेल कहलाएगा। ठीक है, 100 होना चाहिए था लेकिन ये 60 ही हुआ, तो 100 में से 60% फेल वाला हटा दीजिएगा तो बचा कितना 40% बचा पास के लिए। ठीक है, 40% हो गया, ये पास वाला हो गया। समझ में आया सबको, ये वेन डायग्राम से बन जाता है ये। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, सेम वही क्वेश्चन है, अब की बार आपका क्लियर हो जाएगा। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषय हो अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए हो, तो यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तब परीक्षा की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, परीक्षार्थी की कुल संख्या, तो दो सर्कल बना लीजिए पहले इसे। ठीक है, एक सर्कल बना लीजिए आप इंग्लिश के लिए और एक सर्कल बना लीजिए आप मैथ के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 75% दोनों, जो दोनों वाला होगा ना उस पर अटैक कीजिएगा। दोनों विषयों में क्या है कि ये उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में क्या है उत्तीर्ण हुए, तो इसका मतलब जो आपका सर्कल बनेगा आपकी बार उत्तीर्ण का बनेगा, पिछला वाला में क्या था अनुत्तीर्ण का बन रहा था, क्योंकि दोनों उसमें था कि अनुत्तीर्ण था और ये उत्तीर्ण का बनेगा, तो 75 है जा रखिए, तो 75% दोनों में क्या है अनुत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण है, 75% दोनों में क्या है उत्तीर्ण है। अब देखिए 80% जो है वो इंग्लिश में उत्तीर्ण है, तो 75 तो हैजा आ गया, तो बचा कितना 5 केवल इंग्लिश, यहाँ से यहाँ तक तो केवल कहलाता है, 5 केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण कहलाता है। अब देखिए 85% गणित में उत्तीर्ण है, ये पूरा उत्तीर्ण में 85 होना चाहिए मैथ में, तो 75 तो यहाँ पर आ गया, तो बचा कितना 10। अब ये पूरा उत्तीर्ण का हो गया और जोड़ने पर 100 होना चाहिए, तो 75 5 80 10 90, तो ये उत्तीर्ण हो गया टोटल 90%, तो अनुत्तीर्ण निकालना है तो 100 में से 90 घटा दीजिएगा, तो 10% विद्यार्थी क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसके माध्यम से आप रेशियो लिखना चाहते हैं तो रेशियो लिख सकते हैं कि टोटल हो गया 100, अनुत्तीर्ण हो गया 10, अनुत्तीर्ण कितना हो गया 10। और यहाँ देखिए निश्चित राशि में 40 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण का भागा अनुत्तीर्ण से,
आ कुल संख्या चाहिए तो 100 से गुना, मतलब कुल संख्या कितना था 400, ठीक है, सही है। तो इसके इस तरह से आप डीआई का क्वेश्चन जो है भेन डायग्राम का प्रश्न जो है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।